हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग आर सी सी पढ़ रहे हैं और आर सी सी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कलम, ठीक है। आर सी सी में हम लोग स्टार्ट किया था कलम के बारे में हम लोगों ने जाना था कि कलम क्या होता है, ठीक है। कलम क्या होता है उसके बाद हमने देखा था पेंसिल क्या होता है, क्या होता है। उसके बाद हमने जाना था सिलेंडर में इशू, इसके बारे में हमने जाना था। तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। कलम के जो बेसिक चीज़ें थी, जो कि आपके एप्टीट्यूड टाइप से क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं, कि न्यूनतम 5 मार्क अगर 3 महीना से अधिक होता है तो उसको गंभीर, जो उसकी हाइट होती है, ऊंचाई होती है, उसको अनुम स्तंभ बोलते हैं, कलम बोलते हैं। जब यही मान आपका 3 या 3 से कम हो जाता है तो जनरल रूल उसको बोलते हैं पेडेस्टल। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडेस्टल। सिलेंडर रेशियो आपका मैंने बताया था एल इफेक्टिव अपन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं आपके, ठीक है, सिलेंडर में रेशियो। और उसके पास हम लोगों ने उसके बाद डिस्कशन किया था कि वर्गीकरण अगर करना हो हमको, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना हो कलम का, तो उस बिहार पर अगर ऑन द बेसिस ऑफ रूट अगर बताए थे, ऑन द बेसिस ऑफ जो जो हम बताए थे उस बिहार पे अगर हम देखा जाए, ठीक है, हमने बेसिस ऑफ रूट उसमें दो तरह से हमें बताया था। एक बताया एक्सियल लोडेड कॉलम, एक्सियली लोडेड कॉलम, दूसरा हमने बताया था सेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम, सेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम, लोडेड ये दो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमने दो बताया था आपको। जब आपका पीआर रेखा द्वारधर स्तंभ पे, स्तंभ को द्वारधर अच्छे संपाती होता है, उसको जनरल में बोलते हैं एक्चुअली लोडेड कॉलम। जब वही आपका वर्टिकल एक्सिस के संपाति कॉइंसाइड नहीं करता है तब उसको हम बोलते हैं सेंट्रिसिटी लोडेड कॉलम, ठीक है। ये दो चीज़ आपको मैंने बता रखा है, फिगर भी मैंने बनाया था उसमें। उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, सेकेंड टाइप का पाया था ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनरली दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ मैंने बताया था आपका शॉर्ट कॉलम, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ बना सकता है कि शॉर्ट कॉलम का बोलते हैं एंड लॉन्ग कॉलम का बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम का कंडीशन आपको मैंने बताया था कि एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट वेक्टर डायमेंशन, या फिर कहीं कहीं इसको डी से लिख दिया जाता है, इट लेस देन 12 less than 12, तो आपका होता है शॉर्ट कॉलम। जब यही आपका रेशियो एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट वेक्टर डायमेंशन इज ग्रेटर देन 12 होता है, तो आपका हो जाता है लॉन्ग कॉलम। क्या हो जाता है? लॉन्ग कॉलम, ठीक में आ गया, समझ में आ गया, ओके, क्लियर है। उसके बाद से ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बेसिस ऑफ शेप, बेसिस ठीक है। इसमें जनरली जो होता है आपका होता है स्क्वायर
स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर अष्टभुजाकार आकार और आपका होता है ये अष्टभुजाकार ठीक है अष्टभुजाकार ठीक है। ये आपको मैंने फिगर के माध्यम से इसको हिंदी इसको से मैंने बताया था कि लीस्ट स्क्वायर डायमेंशन जो होता है आपका ठीक है लीस्ट स्क्वायर डायमेंशन होता है उसको पहचान कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि स्तंभ के अनुप्रस्थ काट का जो भी लंबाई या अथवा चौड़ाई होती है ठीक है मोटाई होती है उसमें जो न्यूनतम होता है वही आपका स्तंभ का क्या होता है न्यूनतम पार्श्व माप होता है ठीक है ठीक है। अगर मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है तो इस केस में मैंने बताया था आपको इसका डायमीटर ही क्या होता है उसका इसका डायमीटर ही उसका लीस्ट स्क्वायर का डायमेंशन होता है ठीक है लीस्ट स्क्वायर का डायमेंशन ठीक है। और अगर आपका अदर कोई चीज़ें हैं जैसे रेक्टेंगुलर है तो उसके साथ जो मिनिमम होगा जैसे मान लीजिए 300 × 200 का है साइज साइज तो यहाँ पर जो लीस्ट स्क्वायर का डायमेंशन होगा वो जनरली हो जाएगा 200 ठीक है। क्लियर सो मैंने बताया था कि आपको अगर कोई बीम है ऐसा सॉरी बीम नहीं कॉलम सॉरी सॉरी कॉलम तो कॉलम इस तरह है तो ये जनरली इस तरह कुछ अगर पकड़ करता है ठीक है तो बताया था ये जो दूरी कंट्रोल की जाती है यहाँ से यहाँ तक की जाती है इसको बोलते हैं एल इफेक्टिव ठीक है इसको बोलते हैं एल इफेक्टिव और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ क्या बोलते हैं अनसपोर्टेड लेंथ अनसपोर्टेड लेंथ ठीक है आपको पता होना चाहिए ठीक है। कल भी हमने बताया आज जो है हम लोग थोड़ा सा आगे के टर्म में कि अगर आपके पास दो कंडीशन चार कंडीशन ऐसे हैं ठीक है जहाँ पे हमको अगर हल फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे ठीक है तो उसका प्रभावी लंबाई निकालना होता है स्तंभ की प्रभावी लंबाई आई स्कोर के अकॉर्डिंग तो कैसे निकालेंगे ठीक है इसमें हम ध्यान देंगे ठीक है। इसमें आपका जो है स्तंभों की प्रभावी लंबाई प्रभावी इसमें क्या करेंगे हम लोग देखेंगे इन कंडीशन कंडीशन निकालेंगे जैसे अगर हम बात करें पहला बोथ इन फिक्स्ड मैंने जो बताया था कि ये जो आपका सीधा होता है जो सीधा होता है आपका जो सीधा होता है तो ये आपका जो है कुछ ऐसा बकल करता है यहाँ से कुछ दूरी पर जाने के वास्ते क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जो फिक्सिडिटी की वजह से जैसे एक दिन सीधा क्या है फिक्स है इसकी वजह से होता है तुरंत पकड़ नहीं होता कुछ दूरी चलने के वास्ते कुछ करने के वास्ते क्या होता है पकड़ करना स्टार्ट करता है ठीक है। ये दूरी जो होता है आपको बताया था इसको हम लोग बोलते हैं अनफेक्टिव ये जो दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं अनसपोर्टेड अनसपोर्टेड ठीक है अनसपोर्टेड इस केस में अगर दोनों फिक्स फिक्स अगर जो सिरा है आपका फिक्स रहेगा उस केस में जो एल इफेक्टिव होता है एल इफेक्टिव 0.65 एल के बराबर होता है उसको याद रखिएगा ये कब होता है जब बोथ इन फिक्स्ड उसके बाद से आपका केस आता है
केस नंबर टू, केस नंबर टू, वन फिक्स्ड एंड अदर रीजंस, वन एंडेड, वन फिक्स्ड एंड अदर रीजंस। अगर ये केस, अगर केस ऐसा होगा, ठीक है, अगर केस ऐसा होगा, इस केस में हम लोग देखेंगे इस तरह, एक सिर आपका जो है फिक्स है, एक सिर क्या आपका फिक्स है, एक सिर का फिक्स है, एक सिर क्या आपका हिंज है, यहाँ से क्या होगा फिक्स से ऐसे जाएगी ऐसे, उसके बाद से फिर ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो होगा आपका इस कंडीशन में जो आपका जल इफेक्टिव होता है, जल इफेक्टिव होता है इस केस में, आप पहुँच जाएगा जीरो पॉइंट 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 थ्री पॉइंट जीरो, ठीक है, यहाँ पर होगा एल, क्लियर है, क्लियर है, ओके। तो बात अगर बोथ इन हिंज्ड हो, ठीक है, अगर बोथ इन हिंज्ड हो तब क्या होगा, अगर थर्ड केस आ जाए बोथ इन हिंज्ड, बोथ इन अगर ऐसा हो जाए बोथ इन हिंज्ड तो क्या होगा, इफेक्टिव इफेक्टिव जो होगा एल के बराबर होगा, और दोनों सिरा क्या है हिंज, यहाँ भी और यहाँ भी सिरा हिंज होगा तो कुछ ऐसा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे, ठीक है। अगर बात करते हैं कि वन इन फिक्स अगर फोर्थ कंडीशन, यहाँ तक पता चल गया ना, वहाँ पे एल बराबर बोथ इन हिंज केस में एल बराबर एल इफेक्टिव अपन सॉरी एल इफेक्टिव योगा आपका एल के बराबर हो जाएगा। उसके बाद से चौथा के साथ आ जाएंगे वन इन फिक्स्ड इन फिक्स एंड अदर इन फ्री एंड अदर इन फ्री, अदर इन फ्री, इस केस में आपका जो होता है एल इफेक्टिव एल के बराबर के बराबर होता है, ठीक है। कि आपका जो आपका जल इफेक्टिव निकाला जाता है जनरली इस केस में हम लोग जनरली चार देखेंगे, और जनरली ये केस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बन सकता है, आप भी इसको देख करके जाइएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का कंडीशन होता है कैसे होता है, कैसे निकालते हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक कैसे निकालते हैं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ओके। नोट है, नोट होना चाहिए आपके पास, इसको नोट करिएगा, नोट होना चाहिए, मिनिमम डाई आप बाहर निकालना है, मिनिमम डाई आप बाहर कॉलम कॉलम बारे में अगर वही बात करें मैक्सिमम की, मैक्सिमम डाया बार कॉलम ये 50 है, यह हमेशा जाना, ओके। 12 mm से कम तो भाई पढ़ना ही नहीं चाहिए, 12 mm से जो है ठीक है, 12 mm तो चलेगा, 12 से अबव, 12 से कम मिनिमम 12 है, ठीक है। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपसे, कई बार आप यूट्यूब टाइप क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है कि अगर एरिया आप बाहर निकालना चाहो, एरिया बाहर निकालना चाहो, ठीक है, एरिया बाहर निकालना चाहो, तो एरिया मेन बार जो होता है स्तंभ के अनुप्रस्थ काट के, ठीक है, ग्रास एरिया का, ठीक है, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ मेन बार, एरिया ऑफ मेन बार स्तंभ के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट के ग्रास एरिया का, ग्रास एरिया का एरिया का कितना परसेंट, कितना से कितना परसेंट लिया जाता है, ये आपको
अक्सर एग्जाम में पूछा है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है, अक्सर पूछता है, तो इस पर हम थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आपसे पूछता है ऐसा कंडीशन तो आप याद रखिएगा जो मिनिमम होगा आपका, ठीक है, जो मिनिमम होता है आपका वो होता है 0.8%, 0.8%, 0.8% से लेकर के कहाँ तक 6%, यानी कि जो है मैक्सिमम जो है आपका जाएगा कहाँ तक, 6%, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम जब सवाल लगाते हैं तो जब हम इसको रिज्यूम करेंगे ना, तो इस केस में हम लोग 0.6 से कम, 0.8% से कम नहीं लेंगे और 6% से ज़्यादा लेंगे, ठीक है। और जहाँ पर छड़ों का ओवरलैप होता है वहाँ पर अधिकतम प्रतिशत 6% रखा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाएगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसा लेंगे, लेकिन इस पॉइंट को याद रखिएगा 0.8% 0.8% टू 6%, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्लियर, ओके, चलो। चलिए उसके बाद से आपका मिनिमम नंबर आप बात करें, मिनिमम नंबर जैसा कि ये भी आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछने लायक है और ये पूछा भी जाए, इस हिसाब से अगर देखा जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से, तो पूछ सकता है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ बार है रेक्टेंगुलर कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं, रेक्टेंगुलर कॉलम में, कॉलम कितना प्रोवाइड करते हैं, और सर्कुलर कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं। यह आपका क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है आपके यह क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं आप इस बीटी बोर्ड में भी इस क्वेश्चन का आने का एकदम बिल्कुल चांस है, ठीक है, कारण क्या है कि क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सारे क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलता है, तो इसमें मेरे हिसाब से यहाँ भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो याद रखना जब पूछेगा, जब पूछेगा रेक्टेंगुलर कॉलम, तो याद रखना, याद रखना चार मिनिमम, अगर बात करते हैं सर्कुलर में, सर्कुलर में तो छः होना चाहिए, ध्यान से, रेक्टेंगुलर कॉलम होगा तो चार मिनिमम होना चाहिए, सर्कुलर होगा तो छः मिनिमम होना चाहिए, ओके, ये आप कंडीशन याद रखना। अब बात करते हैं कि जो हम लोग कवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कॉलम के केस में वो कितना प्रोवाइड करते हैं, कॉलम के केस में वो कितना प्रोवाइड करते हैं, कवर, ठीक है। और क्या कि स्तंभ के जो अपर लॉन्गिट्यूडिनल बार होता है कंक्रीट का मोटा आवरण दिया जाता है, इसलिए भी रहता है ताकि बाहर आने पर जो है वो बाहर की ओर ना भाग पाए, ठीक है। इसमें दो केस होता है, इसमें दो केस सुना है, जिसमें कि न्यूनतम कंक्रीट आवरण 40 mm, न्यूनतम आवरण 40 mm और उसमें छड़ का व्यास है, दो केस देखते हैं, तो यहाँ पे जो है कंडीशन आपका हो जाएगा छड़का, यस, ठीक है। इन दोनों में से जो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है।
इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका एक कंडीशन आता है, अस्तंभ की परिधि